जब जब रामायण का जिक्र किया जाता है तब एक खास पात्र हमेशा जहन में रहता है जो थे जामवंत। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जामवंत से जुड़े कुछ खास रहस्य, जन कैसे हुआ, उनके क्या क्या खास रहस्य थे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आज भी जिंदा है जामवंत और वो भी किस तरह। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही खास वीडियोस आपको रोजाना जानने और सुनने को मिलती रहे। जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता था। यह ऋक्ष बिगड़कर ऋक्ष हो गया जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या वह सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में उनका चित्रण ऐसे ही किया गया है। ऋक्ष शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं के इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत एक ऋषि थे या किसी देवता की संतान? आखिर जामवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जिंदा रहे? ये सब आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, जामवंत को अग्निपुत्र कहा जाता है। कोई कोई उन्हें ब्रह्मा पुत्र भी कहता है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वो कैसे ऋच मानव हो सकते हैं? भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा ऋच मानव बनाया था जो दो पैरों में चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित ऋच जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और की पुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कई सारे ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प में सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी वहीं उपस्थित थे और वो युवावस्था में थे। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे और भगवान कल्कि की मदद करेंगे, यानी कि सहायता करेंगे। बाकी रामायण में तो आप जानते ही हैं किस तरह से हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया और किस तरह उन्होंने उन्हें संजीवनी बूटी के बारे में बताया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगली खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जामवंत जी अब कहाँ रहते हैं। तब तक देखते रहिए द भक्ति।